आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव जो बर्लिन सा विकसित है, हाईटेक गांव जो देश की मेट्रो सिटीज को भी देता है मात। इस गांव के कुल 8,500 मकानों में से 95% मकान हैं पक्के। गांव में बरसात के पानी की निकासी के लिए है गटर लाइन की व्यवस्था। पीने के लिए यहां हर किसी को मिलता है मुफ्त आरओ मिनरल वाटर। गांव के अंदर है 12 मीटर चौड़ी पक्की सड़कें। सड़क के दोनों ओर है स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था। घर घर पानी पहुंचाने के लिए गांव में है पानी टंकी और पंप हाउस की व्यवस्था। गांव में 24 घंटे रहती है बिजली। यहां कोई भी खुले में नहीं करता है शौच। हर घर में है टॉयलेट की व्यवस्था। गांव के हर गली व चौराहे पर लगा है सीसीटीवी कैमरा। गांव में कहीं भी नहीं है गंदगी का नामो निशान। रोज सुबह तड़के ही सड़कें साफ कर दी जाती हैं। हाईटेक और अल्ट्रा मॉडर्न इस गांव में है क्लब हाउस व स्विमिंग पूल। गांव के बीच है एक पक्का तालाब और इस स्वच्छ तथा सुंदर तालाब के चारों ओर है लाइटिंग की व्यवस्था। जी हां, ये किसी शहर का दृश्य नहीं है बल्कि एक गांव का है। गुजरात के सूरत शहर से 35 किलोमीटर दूर बारडोली तालुका का स्वर्णिम गांव बाबेन हिंदुस्तान का ये एक ऐसा गांव है जो सुविधाओं के मामले में न सिर्फ देश के बड़े शहरों को कड़ी टक्कर देता है बल्कि विदेशों की प्लानिंग और सुविधाओं को भी चुनौती देने की ताकत रखता है। आमतौर पर एक सामान्य हिंदुस्तानी गांव की सड़कें कच्ची और गड्ढों से भरी हुई होती है, लेकिन बाबेन गांव की सड़कें किसी भी लिहाज से आम हिंदुस्तानी गांव की सड़कों के तय पैमाने पर फिट नहीं बैठती। यहां की सड़कें राजमार्ग की तरह चौड़ी और साफ सुथरी हैं। गांव के अंदर 12 मीटर चौड़ी पक्की सड़क है। सड़क के दोनों ओर सुव्यवस्थित स्ट्रीट लाइट और प्लांटेशन की व्यवस्था की गई है। प्लांटेशन के लिए पंचायत की तरफ से है। पंचायत जो जगह खुली है पंचायत की, वो सभी जगह पे प्लांटेशन किया हुआ है। लगा करीब 35,000 जाल लगा है, इसमें से लगभग 25,000 से 30,000 जाल तो अभी है। तो वो उनके लिए पूरा हमारा पंचायत का उसके मावजत के लिए 5-6 आदमी रखा है जो उनका हर रोज़ पानी देना है, उनका कटिंग करना है, जो कुछ भी काम करना है वो हमारा आदमी करता रहे। सबसे बड़ी बात कि सड़क का निर्माण किसी शासकीय सहायता से नहीं बल्कि ग्राम पंचायत की निधि से करवाया गया है। बाबेन गांव में सुविधाएं ऐसी हैं कि बड़े बड़े शहरों की नगर पालिकाएं भी शर्मा जाएं। साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइट न सिर्फ लगे हुए हैं बल्कि अच्छी हालत में भी हैं। ये नजारा इसी देश के एक गांव का है जहां बड़े बड़े शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की हालत अक्सर खस्ता हाल ही रहती है। हमारे यहाँ कम से कम जितनी भी गली मोहल्ले है, बड़े बड़े जो मोहल्ले और गली है जहां बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, वहां ग्राम पंचायत पूरा इलेक्ट्रिशियन रख करके उनका जो लाइट है वो मेंटेनेंस ग्राम पंचायत करती है। उसके लिए एक इलेक्ट्रिशियन भी रखा हुआ है। अगर कोई स्ट्रीट लाइट खराब होती है तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन जाकर के उसको रिपेयरिंग करवाता है और उसका जो भी मेंटेनेंस है, जो भी खर्चा उसके होता है वो ग्राम पंचायत उठाती है। बाबेन ग्राम पंचायत ने अगर कोई स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम हो तो खुद वायरमैन रखा है। अगर कोई पानी की समस्या हो तो पंचायत में हमारे गांव में ही रहने वाला प्लम्बर है। किसी की भी अगर फरियाद आती है तो तुरंत उसको मोबाइल कॉल करके बुलाया जाता है और उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। बाबेन गांव में देश के दूसरे गांव के उलट पीने के पानी से होने वाली बीमारियां नहीं फैलती।
गांव हर घर में पहुंचाता है पीने के लिए शुद्ध आरओ वाटर, और वो भी मुफ्त। इसके लिए ग्राम पंचायत ने गांव के अलग अलग जगहों पर कुल 3 आरओ प्लांट लगवा रखे हैं, जहां से गांव वाले दिन में कभी भी पीने का पानी ले सकते हैं। इसके साथ साथ गांव में स्वच्छ पानी की भी व्यवस्था की गई है, जिसके लिए ग्राम पंचायत ने गांव के 6 अलग अलग स्थानों पर पानी की टंकियों का निर्माण करवाया है। गांव में किसी को भी पानी की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पंचायत ने पूरे गांव में पाइपलाइन बिछा रखा है। आज पूरे गांव में ऐसा कोई घर नहीं जिसे पानी की कमी का सामना करना पड़ता हो। गुजरात के बाबेन गांव में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली बात यह है कि इस गांव के बीचों बीच बना सरोवर बेहद साफ और खूबसूरत है। इस तालाब की सुंदरता को देखने के लिए न सिर्फ गांव के लोग बल्कि आसपास के शहरों के लोग भी यहां आते हैं। ये तालाब बाबेन गांव की न सिर्फ पहचान है बल्कि इस गांव की आन और शान भी है। यही वजह है कि इस गांव के लोग तालाब की साफ सफाई के साथ कोई समझौता नहीं करते, हर कोई इस सरोवर की साफ सफाई का ख्याल रखता है। रात के समय इस तालाब के किनारे की गई रोशनी देखते ही बनती है, मानो आप भारत के किसी गांव में नहीं बल्कि यूरोप के किसी शहर में बैठे हों। चमचमाती रोशनी से पूरा सरोवर जगमगा उठता है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इस झील का निर्माण किसी सरकारी सहायता से नहीं बल्कि ग्राम पंचायत के कोष से 25 करोड़ रुपयों में करवाया गया है। बाबेन गांव की स्वच्छता और तरक्की का सबसे बड़ा कारण है यहां के लोगों का साफ सफाई के प्रति जागरूक होना। ग्राम पंचायत भी इसमें पूरा सहयोग करती है। पंचायत इसके लिए ग्रामवासियों को समय समय पर मुफ्त में घर घर कूड़ादान देने का काम करती है। इसके अलावा पंचायत लोगों में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए समय समय पर साफ सफाई को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन भी करती रहती है। गांव में साफ सफाई के लिए ग्राम पंचायत की 22 सफाई कर्मियों की एक टीम है, जो तड़के सुबह से ही गांव की सड़कों की साफ सफाई में लग जाते हैं। वहीं हर घर से सुबह शाम कचरा उठाने के लिए पंचायत की गाड़ी गांव के हर गली मोहल्ले से होकर गुजरती है। गांव में एक निश्चित दूरी पर सफाई कर्मचारी गाड़ी रोककर सीटी बजाता है, जिसे सुनकर गांव के लोग अपने अपने घरों से इकट्ठा हुआ कचरे को लेकर गाड़ी में फेंकने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव में स्वच्छता और सफाई के लिए सड़कों के किनारे गटर लाइन की सुविधा है। ड्रेनेज सिस्टम के लिए हर गली हर मोहल्ला में जो पानी जमा न हो जाए, और जो अंडरग्राउंड गटर लाइन बना दिया है सभी जगह पे, तो वहाँ से पानी निकल जाता है सब। यहाँ जितने भी गली मोहल्ले बनाए हुए हैं वहाँ पे गटर पानी को निकाल के लिए गटर की व्यवस्था है। जैसे ड्रेनेज लाइन हुई, रोज बरोज का जो भी पानी लोगों का यूज़ होता है उसको भी निकाल करने का यहाँ पे ग्राम पंचायत ने व्यवस्था की हुई है, और उसके लिए भी कुछ कर्मचारी रखे हुए हैं, वो भी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। और बरसात आने से पहले भी गटरों का पूरा जो भी है कचरा निकाल करना है, जिसको साफ सफाई करना है वो सब करवाइए। इस बस्ती में ये हुआ कि जहाँ तुम सीजन में नहीं चल सकते थे, वो बस्ती में आज बारिश के अंदर तुम गाँव के बस्ती के कोई भी गली कूचे में घुसो, बाइक लेके घुसो, चाहे फोर व्हील लेके घुसो, चाहे रिक्शा पे घुसो, आपको नीचे उतरना नहीं पड़ेगा। पूरी गली कूचे में सब तरफ से मतलब एकदम सीमेंट कंक्रीट जैसा कर दिया है कंप्लीट, आजू बाजू में वो ब्लॉक बैठा के, और कोई मगजमारी नहीं है। यहाँ खुले में कोई भी व्यक्ति शौच न करे, इसके लिए जगह जगह पर सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें 24 घंटे पानी उपलब्ध रहता है। शौचालय की साफ सफाई के लिए पंचायत ने अलग से सफाई कर्मियों की व्यवस्था कर रखी है। वैसे तो सभी घर में टॉयलेट है, और जो जो जगह पे टॉयलेट नहीं है वहाँ पे वो जाहिर शौचालय बनाया है। उसके अंदर और लेडीज़ का भी अलग है, जेंट्स का भी अलग है। ऐसे जाहिर शौचालय बनाया है तो सब उसका उपयोग करते हैं पूरी तरह से।
जिस देश की राजधानी को अभी तक पूरी तरह से इंटरनेट तथा सीसीटीवी की सुविधा नहीं मिल पाई हो, उसी देश के एक छोटे से गांव बाबेन के 50% लोगों के घरों में लगा है इंटरनेट कनेक्शन। कौन आया, कितने बजे आया, कहां गया, इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए इस गांव के सभी चौराहों तथा गलियों में लगा है सीसीटीवी कैमरा। ग्राम पंचायत में लगी बड़ी स्क्रीन की सहायता से सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग भी की जाती है। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से इस गांव में कोई चोरी या लूट जैसी घटना नहीं घटी है। गांव की महिलाएं तथा बच्चे देर रात तक बेखौफ घूमते दिखाई देते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि 15,000 की आबादी वाले इस गांव में कोई पुलिस थाना तक नहीं है। सीसीटीवी कैमरा हमारे गांव में लगने के बाद हमारे गांव में चोरी चकारी का तो डर ही नहीं है, लेकिन महिला और बच्चे बड़े आराम से घूम सकते हैं, इधर उधर फिर सकते हैं और महिला काफ़ी सुरक्षित है। सीसीटीवी कैमरे पूरे बाबेन में लगे हुए हैं, इसकी वजह से अभी क्राइम बहुत घट गए वहाँ। आज भी जब बड़े शहरों में भी जब लूटपाट होती है, क्राइम होता है, तो पुलिस वाले भी बोलते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगाओ। बाबेन ने पहले से ही पूरे गाँव में हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, उसकी वजह से क्राइम तो कम होता है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो जाते हैं। हमारे बाबेन गांव में कोई FRI या पुलिस केस एकदम कम होते हैं। मेरे ख्याल से तो कभी FIR हमारे गांव के किसी सब ने दाखिल की होगी, मेरे तो ख्याल में भी नहीं है। फिर भी अगर छोटा बहुत जो कुछ भी झगड़ा होता है तो हम लोग साथ में बैठ के उसका समझौता कर लेते हैं और उसके बाद में चाय पानी नाश्ता भी करते हैं। अगर कुछ बड़ा थोड़ा सा बड़ी बड़ा हो गया तो दोनों पार्टी का साथ में समूह भोजन कराने के बाद भी उसका समझौता करवा लेते हैं। और हमारा प्रयास यही रहा है कि इस गांव में कोई पुलिस केस न हो, और हो तो भी पुलिस स्टेशन में जाके भी उसका समाधान हम करवा लेते हैं और FRI तो मेरे ख्याल से कभी होने ही नहीं देते। बाबेन गांव के युवाओं को शहरों के युवाओं की तरह समान अवसर मिलता रहे, इसके लिए इस गांव में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। यहां युवक तथा युवतियों के लिए विभिन्न कोर्स चलाए जा रहे हैं। वर्तमान और आने वाला युग कंप्यूटर का है, इसलिए युवाओं का इस ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है। युवतियों के लिए यहां सिलाई कढ़ाई के साथ साथ ब्यूटिशियन का कोर्स भी कराया जाता है, ताकि युवतियों को गाँव में रहकर ही अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल सके। इससे पहले हम लोग कोई क्लास नहीं कर पाते थे, सोचते भी थे कि कोई क्लास करे, फिर भी नहीं कर पाते थे। जब से कौशल्यवर्धन केंद्र खुला तब से हम लोग सब गांव में ही यहाँ सीखने भी आने लगे। अब सीख कर हम अपना भी खुद का रोजगार कर सकते हैं, इससे हमें बहुत लाभ भी हुआ। जो कुछ भी नहीं आता था फिर भी हमने बहुत कुछ सीखा, आगे भी सीख रहे हैं और सीख कर अपना खुद का रोजगार खोलेंगे। हमें बहुत से फ़ायदे हुए, पार्लर है और सीखे हैं हम तो, उससे कई फ़ायदे हुए हैं कि हम घर पे भी खोल सकते हैं। और हमें बाहर जाने की बहुत दिक्कत होती थी, घर से जाने नहीं दे, परमिशन नहीं थी बाहर जाने की। अभी यहाँ गांव में ही है तो हम इसका लाभ ले सकते हैं और आगे जाके हम खुद के ही पाँव पे खड़े रह सकते हैं और किसी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, मीन्स कि किसी पे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, हम अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। प्रगतिशील पंचायत के अधिकतर सदस्य युवा हैं। सरपंच सहित पंचायत के कुल 19 सदस्यों की औसत उम्र 40 वर्ष से भी कम है। पंचायत में सरपंच सहित कुल 9 सदस्य स्नातक हैं, बाकी भी अच्छी तरह से शिक्षित हैं। युवा जोश व कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि बाबेन ग्रामीण भारत का शायद इकलौता ऐसा गांव होगा जो पिछले 8 वर्षों से अपनी आय में 10 गुना से अधिक की वृद्धि कर रहा है। गांव के कुल राजस्व का आधा कर यहां निर्मित बड़े डेवलपर्स के विशाल आवासीय परिसर तथा यहां स्थित देश के सबसे बड़े चीनी कारखाने से पेशेवर कर, संपत्ति कर और विकास कर से आता है। मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा निर्णय लिया था कि जो भी मिल कारखाने जो भी गांव में हो उसका व्यवसाय वेरा उसी ही ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए, तभी से हमारा गांव का आवक भी बढ़ा है।
इस हाईटेक गांव की पंचायत भी हाईटेक है। पंचायत का अपना कंप्यूटर सर्वर रूम है जिसमें कंप्यूटर लगा हुआ है। इसकी सहायता से ग्रामीणों को कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे बिजली का बिल, टेलीफोन और राजस्व कर आदि बिलों को जमा कराना। यहाँ हमको लाइट बिल भरने दूर नहीं जाना पड़ता, जल्दी काम पड़ जाता है। और यहाँ पे जन्म मरण का दाखला हो या कुछ भी आवक का दाखला हो तुरंत मिल जाता है। इसके अलावा पंचायत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पंचायत राज्य के विभिन्न अधिकारियों से संपर्क कर अपनी समस्या को उन तक पहुंचाती है। गांव में तकरीबन 35 जातियों के करीब 15,000 लोग रहते हैं, जिसमें भारत के एक दर्जन से भी अधिक राज्यों के अप्रवासी रहते हैं। गांव की कुल आबादी में बाबेन के मूल निवासियों की संख्या सिर्फ 900 है और बेरोजगारी की दर 0 है। पंचायत गांव के निवासियों को बुनियादी सुविधा मुहैया कराने में कभी कोई भेद नहीं करती। ये बात चाहे पटेल बस्तियों की हो या हरिजन बस्ती की हो, सबको समान सुविधा मुहैया कराई गई है। अच्छी सड़कें, साफ पानी और बिजली। SC का मोहल्ला हो चाहे सवर्ण समाज का मोहल्ला हो, किसी भी काम पे, ये काम पहला ये काम बाद में, ऐसा उनने कभी नहीं सोचा। सबको साथ लेके सही अर्थ में सबका साथ सबका विकास, ये सूत्र का अमल किया है। गांव की जो वेरा है वो गांव के वेरे के अंदर म्युनिसिपैलिटी की तमाम सहूलियतें गांव देता है, जैसा भाई गटर, लाइट, अपना पानी, फिल्टर प्लांट, डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन, ये तमाम सुविधाएं ग्राम पंचायत दे रही है और ग्राम पंचायत के वेरे के अंदर दे रही है। जितना म्युनिसिपैलिटी वालों को नहीं मिलता उतनी सेफ्टी हमको मिल रही है। कोई भी गांव तब तक खुशहाल और विकसित नहीं हो सकता जब तक वहां की माएं तथा बच्चे स्वस्थ व तंदुरुस्त ना हो। इस बात को बाबेन गांव के लोग भली भांति समझते हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत ने सरकार की सहायता से गांव में जहां तहां कुल 6 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की है। यहां बच्चों के रचनात्मक विकास पर पूरा बल दिया जाता है। टीचर बच्चों को खेल खेल में ही पढ़ने की आदत विकसित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए खिलौने हैं। बच्चे यहाँ टीवी स्क्रीन पर बाल गीत का आनंद लेते हैं। बच्चों के खाने के लिए अलग अलग बर्तनों की भी व्यवस्था है। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के साथ ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भी मौजूद है। ये गांव स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अन्य गांवों से श्रेष्ठ है। यहां डॉक्टर भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। गांव के हर बच्चे का टीकाकरण होता है और गर्भवती महिलाओं का खास ख्याल रखा जाता है। स्थानीय स्तर पर मिलने वाली सभी स्वास्थ्य सेवाएं गांव में उपलब्ध हैं। विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। इस बात को बाबेन गांव के लोग भली भांति समझते हैं। गांव में प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज सहित डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग कॉलेज की भी व्यवस्था है। इस गांव के बच्चों तथा युवाओं को पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गांव में ही रहकर युवाओं को रोजगार परक शिक्षा मिल सके, इसके लिए सन 1996 में इस गांव में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की गई। स्थानीय लोगों द्वारा गठित इस पॉलिटेक्निक कॉलेज को गुजरात के पहले स्वयं वित्त पोषित पॉलिटेक्निक होने का गौरव प्राप्त है। यहां मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व ऑटोमोबाइल सहित कई ट्रेड में इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। बेसिकली ये गांव ये कॉलेज हमारे गांव में ही है, तो फिर हम गांव वालों को और लोकल पीपल को ये फ़ायदा होता है कि हमको किसी और गांव में नहीं जाना पड़ता है, यहीं पे ही सब सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ क्लास 1 से लेकर टेक्निकल नॉलेज तक सभी सुविधा उपलब्ध है। सो इससे हमको बहुत फ़ायदा होता है और ऑन द वे और ये नॉलेज से हम हमारा रोज़गार भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पहले बच्चे को
महाराष्ट्र में, कर्नाटक में एजुकेशन के लिए भेजना पड़ता है। अभी यहाँ क्या परिस्थिति है कि अभी लोग यहाँ बाबिन में आ रहे हैं, उमराह में आ रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में से बारडोली में एक दूसरी भी कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, ये विद्या भारती बाबिन में है। तो पूरे सूरत से आज 40-50 बस बारडोली जाती है, और ऐसे वलसाड़ में भी आते हैं, भरूच से भी आते हैं। तो एजुकेशन के हिसाब से भी ये बारडोली और बाबिन में पूरा फायदा हुआ है लोगों को। बाबिन गांव ग्राम सभा की सफलता का अद्वितीय उदाहरण है, जो इस सच्चाई को प्रतिष्ठित कर रहा है कि गांव का विकास गांव के लोगों के सहयोग और सहभागिता से ही संभव हो सकता है। अगर इसी तरह देश के 7 लाख गांव उन्नति की मिसाल कायम करने लगे तो देश स्वतः ही विकसित हो जाएगा।